पब्लिक कर। सभी बीएलई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, आज हम लोग बात कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से। अभी कल के तिथि में ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम विश्वकर्मा स्कीम का उद्घाटन किया गया है, जो संपूर्ण भारत में पीएम विश्वकर्मा के नाम से जाना जाएगा। और इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारे बेनिफिशियरीज होंगे, ये स्कीम है क्या, इसको किस उद्देश्य और क्या इसमें लाभार्थी कौन होंगे, इन सभी की जानकारी को लेकर के हमारे साथ हमारे राज्य मुख्यालय से विनय मिश्रा जी हैं और दिल्ली मुख्यालय से गौरव चौहान सर हैं, जो पूरी इस योजना को पैन इंडिया देख रहे हैं। तो इस के संबंध में हम इस स्कीम से के बारे में अधिक जानकारी देने से पहले एक वीडियो क्लिप चलाते हैं, जिससे कि आप सभी लोग इसकी प्राथमिक जानकारी ले लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस स्कीम के बारे में। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा, जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा, अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा मित्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी सीएससी द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें एमएसएमई तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इस स्कीम के बारे में
एक काफी शॉर्ट में सारी बात को समाहित की गई है। फिर भी हम हमारे साथ गौरव चौहान जी हैं और विनय मिश्रा जी हैं, तो हम लोग आज अपने स्तर पे एक व्यवहारिक चर्चा करेंगे और जो भी आप लोगों के पूछताछ होंगे आप लोग चैट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। जैसे कि आप सीएससी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आम जनमानस तक ले जाने के लिए एक जबरदस्त रोल होता है, ठीक वैसे ही अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं इसको लेकर के कि इस स्कीम में हम पात्र अभ्यर्थियों को कैसे जोड़ें, उनकी मदद कैसे करें, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का। तो देखेंगे तक इसकी जागरूकता फैलाएंगे। तो मैं चाहूंगा गौरव सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप व्यवहारिक तरीके से कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आप कैसे समझ पाते हैं, क्या देखते हैं आपके शब्दों में पीएम विश्वकर्मा के बारे में थोड़ा बताएं सर। सभी वीएलई भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। थैंक यू अजय जी टू गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर दिस फेसबुक लाइव इन यूपी। तो देखिए योजना के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो आपने वीडियो दिखाई है उसमें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सीएससी के पास में है। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूँ, सीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो हमारे वीएलई भाई बहन हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तीन तरह से पूरी की पूरी जो स्कीम है उसमें तीन प्रकार की जिम्मेदारियों से वीएलई जुड़ा हुआ है। पहली जिम्मेदारी है वो है रजिस्ट्रेशन, जो 18 ट्रेड की बात की जा रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड हैं, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ 18 ट्रेड्स हैं जिनमें जिन ट्रेड्स को ही इस योजना में वीएलई को रजिस्टर करना है और उस ट्रेड में रजिस्टर, ये पहली जिम्मेदारी है। और नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल जो यूज़र है वो जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन है और आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी के थ्रू नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइस से ही आधार ऑथेंटिकेट होगा। तो इसलिए इस योजना में केवल वीएलई के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। इस साल हमें 7 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन करने हैं, साल आधा तो जा ही चुका है, आधा फाइनेंशियल ईयर हमारा बचा हुआ है। तो वीएलई भाइयों को मैं चाहूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन ध्यान रखें बहुत सेंसिटिव स्कीम है। बाकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन ये क्योंकि स्कीम्स काफ़ी आ चुकी हैं और ये बहुत लॉन्च अगर आप देखेंगे उसको मीडिया में लॉन्च देखेंगे और डायरेक्ट इंटरेक्शन पीएम, वैसे ही पीएम साहब का नाम इसमें जुड़ा हुआ है और जिस तरह से लॉन्च हुआ है हर स्टेट में अलग तरह से लॉन्च हुए हैं, तो बहुत सेंसिटिव स्कीम है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो सही वीएलई भाई जो उसका भी रजिस्ट्रेशन करें, सही आदमी का रजिस्ट्रेशन करें, कोई ऐसा ना हो कि कोई मोची है और आपको पता है कि हाँ वो मोची नहीं है और उसका आपने मोची में उसका आपने ऐसे नई रजिस्ट्रेशन कर दिया क्योंकि मोची के लिए वो पहले से ही किसी योजना में लाभान्वित था। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहली जिम्मेदारी है और जो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो यही है कि जो सही एप्लीकेंट हैं उनका सीएससी के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होना है, तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से जो वीएलई भाई लोग हैं वो करें। जो दूसरी जिम्मेदारी आती है वो आती है, तीन तरह के इसमें वेरिफिकेशन है, जिन जिन डाटा को वीएलई भाई एंटर करेंगे, जिन रजिस्ट्रेशन को करेंगे, उसके बाद उन जो लाभार्थी हैं जो एप्लीकेंट हैं उनका 3 लेवल वेरिफिकेशन है। उसमें फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन जो है वो प्रधान कर रहे हैं, ग्राम प्रधान कर रहे हैं, लेकिन उनके यूज़र आईडी पासवर्ड भी वीएलई भाइयों को बनाने हैं। तो ये काम, दूसरा काम भी सीएससी को मिला हुआ है। पहले में फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको है और सोशल, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे वाले में भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और उसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सही प्रधान को, वैसे प्रधान का अगर गलत प्रधान का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी, एप्लीकेशन चेक कर रही है बैकएंड पे कि वो उसी गांव का प्रधान जिससे आप रजिस्टर कर रहे हो उसी का नाम आधार से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन एक तो ये बात समझाना, आप बहुत सारे लोग गांव के वीएलई हैं, गांव में काम कर रहे हैं तो उनके इंटरेक्शन ऑलरेडी प्रधानों के साथ होंगे, तो उनसे इंटरेक्ट करके स्कीम के बारे में आपको उनको भी बताना पड़ेगा कि हमारे गांव से 25 लाभार्थी हैं जिनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, अब मुझे आपका लॉगिन बनाना है,
अब उस लॉगिन आप करोगे और उन 25 लोगों को वेरीफाई करना है आप लोग को कि वो ठीक आदमी है नहीं है, उनको क्या आगे इस स्कीम के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। तो ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी वीएलई की है। तीसरा पार्ट जो स्कीम का है वो है स्किल डेवलपमेंट, और जो चौथा पार्ट है वो लोन है। तो लोन्स जो हो रहे हैं वो बैंक कर रहे हैं, बैंक लोन करेंगे 1 लाख का 2 लाख का 3 दोनों मिला के, पहले 1 लाख का करेगा फिर 2 लाख का, टोटल 3 लाख का लोन करेंगे, 5% पे वो कर देंगे। लेकिन जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्किलिंग वाली, तो वो एनएसडीसी कर रहा है उनकी स्किलिंग तो, लेकिन उसमें जो मोबिलाइजेशन है कैंडिडेट्स का, जैसे किसी गांव में 25 लोगों को वीएलई ने रजिस्टर किया, प्रधान ने उनमें से 20 को वेरीफाई भी कर दिया और 3 लेवल वेरीफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो अब जो वो 20 लोग हैं उनको मोबिलाइज करना है हम लोगों को कहाँ पर, स्किल सेंटर्स पर। तो अगर हम कर पाते हैं उसको सक्सेसफुली, उसमें से कुछ तो हो सकते हैं कि बोलें कि नहीं मैं तो सब सीखा हुआ, मुझे 15,000 की टूल किट भी नहीं चाहिए फ्री, और 500 रुपये आने जाने का, इतना तो मैं ज़्यादा कमा लेता हूँ, मुझे नहीं करनी ट्रेनिंग, दैट इज अदर थिंग। लेकिन उसको जैसे वो अप्रूव हो जाए तो उसको काउंसलिंग करना भी वीएलई की जिम्मेदारी है, उसमें भी उसको बेनिफिट मिल जाए। जितनी आपकी जितनी तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर उस पर 64 रुपीज़ का बेनिफिट वीएलई को मिलेगा, जो मंथली आपको आपके जो डिजीपे अकाउंट्स में जिस तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स की आपकी पेमेंट्स होती हैं उसी तरह से इसकी भी पेमेंट आपकी वीएलई की हो जाएगी। एक अजय जी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक बार वेबसाइट अगर शेयर करें तो थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में भी बताना चाहिए। हाँ ठीक है, उससे पहले जो बात आपने बताई उसको लेकर के एक स्क्रीन मेरे साथ है, मैं साझा करना चाहूंगा। इसमें बेसिक बेनिफिट क्या है और कौन कौन से इसमें पात्र तरह के जो परंपरागत जो कारीगर हैं या हाँ जो विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कवर्ड हैं उनकी यहाँ पे एक सूची है, आप देख पाएंगे। ये टोटल इसमें योजना के जो कुछ खास बिंदु हैं, 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान है, 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक की, और दूसरे चरण में इसमें कोई चेंजेस होगा तो गौरव सर थोड़ा अपडेट करेगा, 2 लाख तक की सहायता महज 5% की ब्याज दर पे। योजना का के तहत कौशल विकास, जैसा कि गौरव सर ने अभी अपडेट किया, उनके स्किल में एनहेंसमेंट दिया जाएगा कि जिसने एक प्रोफेशनल इनको स्किल एनहेंसमेंट दिया जाए जिससे कि उनके कार्य में, उनके रोजगार में, उनके व्यवसाय में और ज्यादा अच्छा विकास हो सके। टूल किट का लाभ देने की बात है, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव्स है, मार्केटिंग में सपोर्ट, यानी कि आपके मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देने की तरफ अग्रसर है। किसको किसको लाभ मिलेगा, तो जैसा कि बताया गया कि कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई जो फूस वगैरह के बनाते हैं, झाड़ बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार यानी कि जो माली होते हैं, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले इत्यादि। तो ये कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको कि सरकार ने स्पेशली इस पूरी योजना में टारगेट किया है। जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि हमको अब यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है कि हम सही और पात्र जो इसमें आवेदक हैं उन्हीं का आवेदन करें, प्राइमरी लेवल पे कचड़ा लेके ना आए, उनको हम यहाँ से वापस कर दें, ये हमारी आपकी ड्यूटी होगी। अब आते हैं थोड़ा इसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद मैं आप लोगों को ये पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ कि ये वेबसाइट है क्या। ये वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in। गौरव सर आप हैं जी? जी जी जी, तो ये वेबसाइट है, अब इसके बारे में थोड़ा आप एलोबरेट कर दीजिए। देखिए, हाँ देखिए, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से इस वेबसाइट पे, और अपडेट भी हमेशा होती रहती है और आगे भी अपडेट होती रहेगी।
अभी पायलट, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यूपी टीम को और वीएलईज को भी कि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा पायलट करके देखा था, तो बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो आए हैं यूपी टीम से ही आए हैं, और सैम्पलिंग जो डाटा है वो भी अच्छा, अच्छे से जो डाटा आया है वीएलई के पास से वो डाटा भी बहुत अच्छे से आया है। कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे ग्राम प्रधान के रजिस्ट्रेशन करने हैं, जो भी अपडेट है वो नॉलेज सेंटर के नाम से एक लिंक यहाँ पे बना हुआ है, तो नॉलेज सेंटर पे अजय जी एक बार नॉलेज सेंटर पे क्लिक करिए। तो नॉलेज सेंटर पे जब क्लिक करते हैं ऊपर, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको स्कीम के बारे में, वीडियो, फोटोग्राफ्स या पीडीएफ चाहिए, नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा अजय जी, ई बुकलेट, हर प्रोसेस का यहाँ पे आपको ई बुकलेट मिल जाएगा। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे प्रधान के रजिस्ट्रेशन करने हैं, वो यहाँ पे आपको आराम से आप देख सकते हैं। दूसरा जो अभी मेजर एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि 10,000 नीचे होम पेज पे जाएंगे अजय जी एक बार, 11,000 के आसपास हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए, सारे रजिस्ट्रेशन सीसी के थ्रू ही हुए हैं। तो अभी ग्राम प्रधान के वेरिफिकेशन होने हैं, ग्राम प्रधान का लॉगिन क्रिएशन होना है, तो लॉगिन पे अगर क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में एक नीचे दिखेगा ग्राम पंचायत प्रधान, एनलिस्ट ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो वीएलई जो स्टेट वाले हैं उनको अपने अपने प्रधान के रजिस्ट्रेशन करने हैं वीएलई को, तो ये सीएससी कनेक्ट के थ्रू ही होगा। इसका एक पीपीटी है मेरे ख्याल से, अजय जी पीपीटी शेयर करेंगे, पीपीटी आप एक बार अनुरोध करूँगा कि आप एक बार पीपीटी समझा दें। बाकी योजना के बारे में कोई भी क्वेश्चन होंगे आप चैट बॉक्स में प्लीज रखिए, और इन्फॉर्मेशन सारा आपको वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन अभी मैं वीडियो क्लिप के जरिए इसका जो प्रोसेस मैनुअल है मैं उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ। जी जी, कर्मा वेबसाइट पर शामिल करने की प्रक्रिया। वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/खोलें और लॉगिन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉगिन ड्रॉप डाउन मेनू से ग्राम पंचायत प्रधान पंजीकृत करें विकल्प चुनें। अपने सीएससी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। आप जिस राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत से संबंधित हैं उसका चयन करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। ग्राम प्रधान आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें, नियम और शर्तों पर टिक लगाएं और जारी रखें बटन पर क्लिक करें। आधार सत्यापन के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें। यहां हम ग्राम प्रधान आधार नाम का मिलान ही ग्राम स्वराज पोर्टल में संग्रहित ग्राम प्रधान नाम से करेंगे। नाम मेल खाने पर ही उपयोगकर्ता पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ग्राम प्रधान के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा। फिर बायोमेट्रिक का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण करें। बायोमेट्रिक का उपयोग करके प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें और सीएससी की मदद से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करें। यूजर आईडी स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाएगी, पासवर्ड सेट करें और दोबारा दर्ज करके इसकी पुष्टि करें। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नोट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और कारीगरों के सत्यापन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। नोट, सीएससी यह सुनिश्चित कर सकता है कि चरण एक सत्यापन के लिए केवल वर्तमान ग्राम प्रधान को ही पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। विवरण सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ग्राम प्रधान के रूप में गलत व्यक्तियों के पंजीकरण के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को यूजर मैनुअल हमने शेयर किया, ठीक वैसे ही यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये वो स्क्रीन है जो उनकी वेबसाइट पे है। इस वेबसाइट के जरिए आप सीधे सीधे रूट हो जाते हैं अपने यूजर आईडी पे, यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल से आई कनेक्ट से जुड़ जाते हैं।
यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लोग इस कार्य को करने का, अब यहाँ देखिए जिम्मेदारी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सीएससी बीएलई को ही जिम्मेदारी है। और सीएससी बीएलई के माध्यम से आप लोगों को ये भी बता दें कि हमारे ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीएससी को हम लोग प्रमोट करेंगे इस तरीके की आगामी विभिन्न योजनाओं जो सीएससी की सेवाओं में आगे काम करते हैं, सिर्फ जरूरत के हिसाब से सेंटर खोला बंद किया नहीं, अच्छे और ट्रांजेक्टिंग बीएलई ही इसमें काम कर सकें या किसी योजना में काम कर सकें। तो इसका आप लोग ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को आज अपने समय शॉर्टलिस्ट करें, आसपास जानकारी जागरूकता दें। और गौरव सर इसमें थोड़ा सा इस विषय पे भी आप अपडेट कर दें कि हमें इसमें आगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी है बीएलई को। देखिए शुरू में जैसे बताया था एक सेंसिटिव स्कीम है, सावधानी हमेशा यही बरतनी है। अगर कोई एप्लीकेंट आके जबरदस्ती आपसे कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा आई योजना आई है, मैं प्रधान से और आगे अप्रूवल की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप मेरे को रजिस्टर करो मैं आप आगे अपने आप देख लूंगा, तो ऐसा नहीं है। बीएलई की भी बराबर जिम्मेदारी है, जो एप्लीकेंट आने चाहिए वो जो जिनको आप जानते हैं और तफ्तीश करके ही आपको डालने कि हाँ वो आदमी गांव में आपके गांव का नहीं, आप नहीं जानते हैं, दूसरे गांव का आया है, उसकी भी आपको उस दूसरे गांव में किसी से बात करके तभी उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो हैं वो अच्छे रजिस्ट्रेशन जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और योजना की आपने मैंने तीन चरणों में बताया हमारी जिम्मेदारी है, तो सारी योजना देखी जाए तो बीएलई भाई चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर मोबिलाइज भी करेंगे और उसका जब सर्टिफिकेट निकलेगा तो सर्टिफिकेट के लिए भी यहीं पे आएगा एप्लीकेंट बीएलई भाई के पास में, फिर कुछ अगर उसके कुछ लॉगिन में कुछ पैसे की या वाउचर 15,000 का एक जो उसको टूल किट के लिए वाउचर मिलना है वो कैसे मिलेगा, वो सारी जिम्मेदारी। वाउचर के बारे में बताएं क्या ये वाउचर किस लिए है सर? वाउचर चूंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था। जी देखिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जो लोग वेरीफाई होंगे उनमें से जो लोग, दो तरह की ट्रेनिंग है, पहली ट्रेनिंग है जो सबके लिए जो अप्रूव होंगे उनको ट्रेनिंग करनी ही है, वो 5 दिन की ट्रेनिंग है। अगर वो ट्रेनिंग वो कर लेते हैं तो उसके बाद उनको एक 15,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, 15,000 रुपीज वो उनके लॉगिन में मिलेगा, ई वाउचर। वो उस ई वाउचर से जो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं उनसे 15,000 तक की टूल किट्स, जो ऑथराइज्ड टूल किट्स हैं वो खरीद सकता है, वो फ्री मिलेगी, उसमें उसको पैसा नहीं लगेगा, वाउचर दे और चीजें ले ले, वो ऑनलाइन उसको लिंक मिल जाएगा, वाउचर को यूज करेगा, उसके घर पे चीजें मिल जाएंगी। तो ये आपका एक ई वाउचर है वो 15,000 वाली स्कीम के लिए। फिर उसके बाद जो आगे स्कीम चलेगी उसमें 15 दिन का एक एडवांस ट्रेनिंग है, उसके लिए वो आगे जाएगा। तो लेकिन ये अगर ई वाउचर के थ्रू 15,000 का लेना है तो 5 दिन का ट्रेनिंग। और बहुत अच्छी बात क्या है, कल प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि आने जाने के लिए खर्चा भी मिल रहा है, अगर ट्रेनिंग सेंटर जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए बेनिफिशियरी तो उसको 500 रुपये अलग से दे रहे हैं कि आप जाओ 5 दिन की ट्रेनिंग करो, तो उसके लिए रोज 500 रुपये आने जाने का खर्चा, रहने का बोलो या खाने का बोलो, वो उसको एप्लीकेंट को मिल रहा है। तो योजना में काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लेकिन बस बेनिफिट्स गलत आदमी को ना मिल जाएं। अजय जी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की। तो यानी कि हम यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं अपने बीएलई भाइयों से कि देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है और विश्वास रखा है कि आप जो भी करेंगे प्राइमरी लेवल पे आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ ये पात्र कैंडिडेट हैं, आवेदन करना है। जैसे कि दो तरीके से आवेदन होता है, एक तो होता है कि जो आओ जिसको आओ जैसे आओ आवेदन कर दो, नहीं आपके पास भी कोई ना कोई एक इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म जनरली होता है कि पूछताछ करके, या आप खुद अपने आसपास के लोगों को जानते हैं भाई ये नाई हैं, ये बढ़ई हैं, ठीक है ये लोहार की वृत्ति में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बात करके उनकी बातों से भी समझ में आएगा। और यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे गौरव सर कि ये पूछना चाहेंगे कि जो आवेदन होगा प्रथम प्रधान के स्तर पे या पार्षद के स्तर पे, जो आवेदन हम जब वेरीफाई हो जाएगा तब जाकर के ही वीएलई को उसके काम का भुगतान मिलेगा। जी जी मतलब यहाँ पे ये जी
इसका मतलब ये नहीं है कि बीएलई उठाए धन आवेदन करते जा रहे हैं, लोगों को भर्ती करते जा रहे हैं कि भाई 500 रजिस्ट्रेशन, 1000 रजिस्ट्रेशन, जिस तरीके से कई स्कीमों में कई बार शिकायत सुनने को आती है कुछ एक बीएलई इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो कृपया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, फायदा नहीं होगा, जी जी कोई फायदा नहीं होगा और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसमें बदनाम होगी, तो इस चीज को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज, आपकी इमेज दोनों एक दूसरे के साथ पूरक है, तो कृपया इस चीज का आप सभी ख्याल रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ें, उससे पहले एक प्रश्न मेरा था कि जैसा कि सुबह आपके द्वारा सूचित किया गया कि अभी वर्तमान में ये केवल और केवल अभी 250 जनपदों में पूरे हिंदुस्तान में अभी ये स्कीम में वो भी प्रधानों का आईडी बनाने के लिए लागू किया गया है, तो इसके बारे में बता दें और वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं उसकी सूची के साथ आगे इन लोगों को क्या करना है बाकी जिलों को उसके बारे में भी थोड़ा बता दें सर। ठीक है, जो अभी तक बात चल रही थी सुबह सुबह तक जो मैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट खोल दे रहा हूं, जो मेरे सामने लिस्ट है नाम मैं दे दे रहा हूं, इसमें रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं अजय जी 3 बजे से, इन जिलों में आप रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे वीएलई से और प्रधान की वेरिफिकेशन भी कराएंगे। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे जिले का नाम पढ़ने जा रहा हूँ, पहले जिले का नाम है अंबेडकर नगर, जहां पे प्रधान की आईडी क्रिएट करने के साथ पंजीकरण की सेवा शुरू हो चुकी है। अयोध्या दूसरा जनपद है, आजमगढ़ तीसरा जनपद है, बलिया चौथा जनपद है, गाजीपुर 5वां जनपद है, जौनपुर 6वां जनपद है, कौशाम्बी 7वां, मऊ 8वां, प्रतापगढ़ 9वां जनपद है। ये 9 जिले हैं जहां पे कि ये सर्विस, ये सेवा पोर्टल पे एक्टिव कर दी गई है। शेष जिलों में डे बाय डे प्रतिदिन, कल हो सकता है 3-4 जिले खुलेंगे पर डे, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि अपने 100 200 500 जो भी आपके लाभार्थी हैं आसपास के एरिया में अपने सीएससी के कार्यक्षेत्र में, उन लाभार्थियों का जानकारी प्राप्त करना, उनका डेटाबेस रखना, जो ही पोर्टल शुरू होगा आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको तत्काल प्रभाव से रजिस्टर करें, संबंधित ग्राम प्रधान को वहां पे उनका यूजर आईडी क्रिएट करें और हमारे सीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, साथ ही जब ये 100% फुल फ्लेज में ये सेवा शुरू हो जाएगी तो आप सभी को फिर से एक बार फेसबुक लाइव के माध्यम से इस दौरान जो भी आप लोग के पूछताछ होंगे उसके साथ हम लोग शामिल होंगे। तो मैं अब आप लोगों के क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा, एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चन ले रहा हूं और उस पे जवाब देता जाऊंगा, सर भी हैं हमारे साथ, तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। आप लोग अपना क्वेश्चन डालते रहिएगा, हम एक एक करके क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां नीचे जेपी राजपूत जी हैं, बीएलई लॉगिन किस ऑप्शन से करें, अप्लाई करने काम का प्रोसेस बताएं सर। ठीक है, बिल्कुल, अभी हमने प्रोसेस बताया है प्रधान की रजिस्ट्रेशन का और जो ही आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये अपने पास कैंडिडेट लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैनुअल है क्या? हाँ, ये वेबसाइट पे आपको ई बुकलेट जो है वहां पे से पहला जो प्रोसेस बना हुआ है वो उसी का बना हुआ है, वीडियो अच्छा। भी बना हुआ है, जो वीडियो ले लेंगे वहां से मिल जाएगा। ठीक है, आसान है, तो ये इस पे जो नॉलेज सेंटर बना हुआ है वहां पर जाकर के ये चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है चौधरी हसन उस्मानी जी, टाउन एरिया में चेयरमैन होता है उसको कैसे करना है? वार्ड मेंबर्स करने हैं, वार्ड मेंबर्स। ठीक है, मतलब टाउन एरिया में ग्राम प्रधान की जगह पे टाउन एरिया में जो वार्ड होता है वार्ड के वार्ड मेंबर होंगे, उनसे उनकी यूजर क्रिएट करनी है और आप यूजर जब क्रिएट करेंगे आधार से केवाईसी के माध्यम से होना है, आधार वेरिफाइड मोबाइल नंबर के माध्यम से होना है और वो बैकएंड पे विभाग उनकी वेरिफिकेशन को ऑथराइज कर देगी अपने डेटाबेस से। अर्बन लोगों का
कैसे होगा अर्बन में तो ग्राम प्रधान, अभी इसका प्रश्न हम लोगों ने दे दिया। एक भाई सवाल करते हैं दीपक यदुवंशी जी, डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी क्या लिखना अप नहीं है। बिल्कुल, मैंने बताया कि अभी 9 जिले अप हुए हैं, अगले 2-4 दिनों में सारे जिले अप हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में अभी डे बाय डे बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते रहे। रचित सिंह साहब सर लिखते हैं आधार नंबर प्रधान का लगेगा, सर इसको जरा एक बार स्पष्ट फिर से कर दें। जी देखिए, जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो पहली जो स्क्रीन है, काफी लोगों को ये क्वेश्चन है, मैं मोहित विश्वकर्मा जी अभी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन का मैं एक बार ब्रीफली ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन होना है। प्रधान एनलिस्ट ग्राम प्रधान पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी, उसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ग्राम प्रधान का ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो आधार और मोबाइल नंबर पूछेगा, वो आधार और मोबाइल नंबर ग्राम प्रधान का डालना है। अब वो आधार और मोबाइल नंबर, जब आधार और मोबाइल नंबर डाल के आप आगे बढ़ेंगे, ओटीपी डालेंगे आधार से, तो वो वेरीफाई करेगा कि जो प्रधान का नाम है वो उसी गांव का प्रधान है या नहीं है, वो पंचायती राज से ऑनलाइन इसी टाइम पे चेक हो जाएगा। अगर वो सेम गांव का प्रधान है तो उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके ऐसा ही यूजरनेम पासवर्ड आईडी बना दिए जाएंगे। अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अख्तर नूरी साहब, इस योजना में केवल एक ही प्रधान को लेना है जोड़ना है कि एक से अधिक प्रधान भी जोड़ सकते हैं, सर इसका उत्तर दें। देखिए, जिस गांव, जितने भी गांव हैं, सब गांव के प्रधानों को जोड़ना है। अब आप अपने गांव के प्रधान को जोड़ रहे हैं और पास वाले गांव में जो वीएलई है वो गांव के प्रधान को नहीं जोड़ रहा है, वो आपके यहाँ पे आ गया कि मुझे भी रजिस्टर कर दो भाई, मेरे को भी अपने यहाँ के जो बेनिफिशियरी है उनको रजिस्टर करना है, तो आप उसको भी रजिस्टर कर सकते हो। सारे ही प्रधान रजिस्टर होने, शुरू में जैसे अभी बताया, हमारी जो नेक्स्ट वीसी हम लोग करेंगे उससे पहले जब हम पेन इंडिया इसको और हर डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च करेंगे, उस टाइम पे एक फेसबुक लाइव, अजय जी मैं चाहता हूँ एक बार फिर से करें हम लोग। बिल्कुल, अभी जो बिल्कुल करेंगे, शुरू हो रहा है, 9 डिस्ट्रिक्ट में के जो वीएलई हैं वो उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गए हैं और प्रधान वेरिफिकेशन भी रजिस्टर हो गए, तो सारे प्रधानों को करना है। बस जितने बेनिफिशियरी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतने बेनिफिशियरी को भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अरविंद कुमार, अरविंद सिंह तोमर साहब का एक कड़वा सा सवाल इन्होंने किया है कि सीएससी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे सर, प्रधान जो चाहेंगे वही होगा। तो खैर, हमारा रोल ये नहीं है, हमारा सिर्फ डिजिटलाइजेशन करना है, बाकी सरकार और सरकार के तंत्र जो चाहेंगे वो उनकी बात है, उनके चाहने पे है, चाहने का मतलब जो पात्र होंगे। हमारा रोल, हमारी ड्यूटी कि हम कोई डॉक्यूमेंट में हेर फेर ना करें, एडिट और डिलीट ना करें, जो जैसा है वहां तक आप सुरक्षित हैं, जब तक कि आप चीजों के डिजिटाइजेशन, जो आपके सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आता है उसको देखते हैं करते हैं, वहां तक आप सुरक्षित हैं। उसमें अगर कुछ हेर फेर करते हैं तो फिर ये आपके लिए और हमारे लिए उचित नहीं होगा, हम लोग बदनाम होंगे और आगे आगामी योजना में चीजों में सरकार का हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रह जाएगा। अगला सवाल है, क्या प्रधान को इसके बारे में आदेश दिया गया है? तो ये मेरा कहना है कि अभी जी आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं, एक दो दिन में चिट्ठी डीओ निकलेगा, वो डीओ भी आपका वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो इस आदेश नहीं मिले है, ये सही बात है। लेकिन अगर वीएलई चाहे समझाना तो समझा के, अगर वो करना चाहता है तो अच्छी बात है, एक दो दिन में समझा के कर ले। अगर वो नहीं कह रहा है कि उसको ऑर्डर्स चाहिए तो ऑर्डर्स के लिए इंतजार करें, एक दो दिन में वेबसाइट पे ऑर्डर्स आ जाएंगे, उसी वेबसाइट से डाउनलोड करके आप प्रधान को ऑर्डर्स दिखा दें। इस संबंध में वैसे सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, उनको आदेश निर्देश जा चुके हैं, क्योंकि योजना के लॉन्च होने का था, लॉन्च होने से पहले इस पे कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करनी थी, हम भी आपसे कल तक बात नहीं करते थे, कल योजना लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद ये ग्राउंड पे अगले 2-4 दिनों में आप लोगों को
न्यूज के माध्यम से हम लोग जैसे आज सोशल मीडिया पे चीजों को लेके आ रहे, वैसे हर जगह पे इसकी कार्रवाई बहुत तेजी से शुरू होनी है। अगले 2-4 दिनों में चीजें स्ट्रीमलाइन पूरी तरह से हो जाएगी और सरकार 1 दिन और 24 घंटे में बहुत कुछ करा सकती है। तो इसके लिए हमें अब बस हमको अपनी दुकान खोल के तैयार रहना है कि हम ट्रेंड हैं, हमें जानकारी है, क्योंकि हमारी 2-2 स्तर की यहाँ पे शासन स्तर पे मुलाकात मीटिंग हो चुकी है और उनके लेवल पे यही था कि योजना स्टार्ट होने से पहले हम आप लोगों को जागरूक और जानकार बना सके, तो बैकेंड पे आप लोग जागरूक और जानकार रहें, इस मीटिंग का अभिप्राय यही है। सद्दाम अंसारी जी आप लिखते हैं सीएससी से कैसे लॉगिन होगा, अभी ये पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे ये लॉगिन की पूरी प्रक्रिया दी गई थी। इस कार्यक्रम को आप बाद में एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फेसबुक पे पड़ा रहेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। मोहित जी का सवाल है ट्रेनिंग के बारे में, सर ये बेसिक सी बात है, इसके बारे में आप बता दें ट्रेनिंग कहाँ से होगी, ये ट्रेनिंग पूछ रहे हैं जो कौशल में जो बच्चे उनको लाभार्थियों को ट्रेनिंग। देखिए एनएसडीसी के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उन्हीं को दी जाएगी कि ट्रेनिंग जो हो। ट्रेनिंग से पहले देखिए तीन चीज़ों में ट्रेनिंग, इतने अच्छे से चीज़ें पूछी रहे हैं तो मैं और डिटेल में थोड़ी सा बताना चाहूँगा। जो ट्रेनिंग पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका है ट्रेनिंग असेसमेंट, शुरू में ही जैसे ही लाभार्थी को 3 लेवल अप्रूवल मिल जाएगा और उसको पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो सबसे पहले उसका एक असेसमेंट होगा कि उसको किस तरह की किस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। तो वो ट्रेनिंग इस ये असेसमेंट के लिए वीएलई को उसको पास के ट्रेनिंग सेंटर पे भेजना है। इन केस ट्रेनिंग सेंटर पे आसपास में नहीं है, मैप नहीं हो पा रहा है, तो ये भी वीएलई को अपने यहीं पे करना है। वीएलई अपने यहाँ पे अपने आप को एज ए ट्रेनिंग सेंटर रजिस्टर करके उस वीएलई का असेसमेंट कर सकता है। उसके लिए भी अच्छा अमाउंट, मेरे ख्याल से 150 कुछ इस तरह का अमाउंट एक नॉर्मल से असेसमेंट के लिए, उसके लिए भी हमें मिलने का प्रावधान चल रहा है। दूसरा है आपका 5 दिन का ट्रेनिंग। तो 5 दिन के ट्रेनिंग के लिए ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ब्लॉक लेवल पे होते हैं एनएसडीसी के, वहीं पे भेजना है एप्लीकेंट को। और जो 15 दिन का एडवांस ट्रेनिंग होगा वो भी उन्हीं सेंटर्स पे होगा। हमारा जो एक असेसमेंट वाला पार्ट है, हो सकता है वो असेसमेंट वाला पार्ट भी हम लोग ही करें, उस पर उसके प्रावधान के लिए भी बातें चल रही हैं। कुल मिला के एक अच्छी बात है कि सरकार गांव तक जब ये स्कीम ले जा रही है तो सरकार के सपोर्ट में जो सीएससी ऑर्गेनाइजेशन है विभिन्न तरीके के हथियारों से लैस है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो चाहे ट्रेनिंग हो। तो आज के समय में धीरे धीरे करके आप लोगों के प्रति जो अपॉर्चुनिटी है, जो उपलब्धियां हैं सरकार लेकर के इन विभिन्न योजनाओं से, अभी जैसे पीछे ई श्रम वगैरह आया तो भी उपलब्धि मिली, सरकार का आयुष्मान आया तो भी आपको उपलब्धि मिली, तो आप अपने सेंटर को और अपनी ड्यूटी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत रखें कि आने वाले समय के लिए आप तैयार रहें। डे बाय डे कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपके लिए आता रहेगा, आपका रोजगार और सामाजिक रसूख में आपकी वृद्धि होती रहेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं गुरबचन सिंह साहब का है कि ई श्रम कार्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी, ई श्रम कार्ड वाले भी अप्लाई करेंगे। अच्छा है कि ई श्रम कार्ड वाले ही अप्लाई करें, लेकिन ध्यान रहे वो 18 ट्रेड में होने चाहिए, उस 18 ट्रेड से बाहर ना हो, क्योंकि ई श्रम में तो बहुत सारे ट्रेड्स थे, बहुत सारे ट्रेड्स के लोग रजिस्टर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि वही ई श्रम वाला भी होगा। अगला क्वेश्चन है मोहित विश्वकर्मा, सर प्रधान की आईडी कैसे क्रिएट होगी, प्रधान अपना आधार ओटीपी नहीं देगा? तो एक चीज समझिए, प्रधान अब आपके सेंटर पे अगले 24 से 48 घंटों में दौड़ के आने वाले हैं, क्योंकि जब जिला प्रशासन ये मैंडेटरी करने वाला है, आवेदन जाके उनके तक पेंडिंग रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनको केवाईसी करानी होगी और केवाईसी कराने के लिए उन्हें आप ही के पास आना पड़ेगा। अपना ओटीपी मोबाइल नंबर आधार से एनेबल्ड अगर नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो रजिस्टर कराना होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, सिस्टम सिर्फ आप ही हैं, ये इंडिविजुअल भी नहीं हो सकता है, प्रधान की यूज होना। तो इसकी यूजर बनाने के लिए हमें अधिकृत किया गया है। एक सवाल और आ रहा है गौरव राय साहब का कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल आधार वेरिफिकेशन है और जनरल चीजें हैं। सेल्फ जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट बताएगा कि उसके घर में कितने लोग हैं, उसका बैंक अकाउंट कौन सा है, वो सब उससे पूछना है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। तो क्या इसमें प्रधान का वो लगेगा क्या सर्टिफिकेशन, प्रधान या सभासद का, कि ये प्रमाणित किया जाता है कि ये बढ़ई लोहार या कुहार हैं? वो इसीलिए वो प्रधान के लॉगिन्स बनाए गए हैं कि प्रधान लॉगिन बनाएगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ कुछ ऐसी बात भी नहीं होगी, क्योंकि एक बीएली भाई ने सवाल किया था कि फेवर में होना अनफेवर में होना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर प्रधान ऑनलाइन अगर इस तरीके का कोई डिसीजन लेके फेवर अनफेवर करते हैं तो उनके कार्यों पे सवाल उठ सकता है, लिहाजा प्रधान ऐसा कतई नहीं करेंगे। और ये परंपरागत आधार पर होने वाले जो पारिवारिक जो कौशल है उसी को वरीयता दिए जाने की बात है। आशीष गुप्ता जी का सवाल है कि प्रोसेस अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। मैं एक बार सभा के अंत में एक बार फिर से प्रोसेस का वीडियो क्लिप चला दूंगा, आप लोग देख लेना। रवि कुमार जी का है, अर्बन एरिया में प्रधान नहीं होता है उस एरिया में, फिर ये प्रश्न किया जा चुका है, उस एरिया में आपके वार्डन वार्ड के जो पार्षद होते हैं वार्ड मेंबर होते हैं उनके यहाँ ये उनका आईडी बनेगा। प्रियांशु सिंह का सर इनका जवाब दें सर। देखिए दोनों रजिस्ट्रेशन पैरेलल हो सकते हैं, प्रियांशु जी ने अच्छा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कंफ्यूजन भी हो सकता है। देखिए रजिस्ट्रेशन करिए कस्टमर का, और आपके यहाँ पे कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो प्रधान को रजिस्टर करके रखिए। प्रधान का रजिस्ट्रेशन का मतलब है उसका आईडी बना रहे हैं आप, आधार वेरीफाइड आईडी बना रहे हैं, जिस आईडी से वो लॉगिन करेगा और जो कस्टमर्स हैं जो एप्लीकेंट हैं उनको अप्रूव करेगा। तो वो आप किसी भी टाइम बना के कस्टमर के रजिस्ट्रेशन से पहले बना के दे दीजिए उनको, फिर कस्टमर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फिर बता दीजिए प्रधान जी आज 5 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एक बार चेक करके अप्रूव कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, क्या अच्छी बात है कि समाज में आपके जो सोशल स्टेटस है उसमें अपलिफ्टमेंट होने वाला है, तो इसको निगेटिव और गलत तरीके से नहीं बल्कि पॉजिटिव और समाज में अपने रसूख और इमेज को और अच्छा बनाए जाने के नियत के क्रम में आप लोग इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि कल को आप सभी अपने एक जो स्टेटस है उसको और अच्छा बना सकें। एक विनोद शर्मा जी का सवाल है कि ये सर अगर प्रधान आईडी बनाने के लिए मना करे तो सर क्या करें, क्योंकि प्रधान कर सकते हैं मना। विनोद शर्मा जी का सवाल है। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आपको रिपोर्ट करना है, जो इस तरह के केस हैं अजय जी मैं चाहूंगा कि वो जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनको जनरल केस ना बताया जाए कभी भी कि हमारे प्रधान के रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि प्रधान मना कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको बताना है ये 6 प्रधान की लिस्ट सूचना यहाँ पे वीएलई गया है, 6 प्रधानों ने मना कर दिया है, तो जनरल उन्हें इशू रेज ना करके स्पेसिफिक इशू। विनोद जी अगर कोई भी वीएलई बताता है अपने डीएम को बताएं, वो आपको बता दें कि ये ग्राम प्रधान मना कर रहा है, आप इस रेज को इशू को रेज करें। हम लोग केवल सजेस्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम सही कह रहे हैं विनोद जी कि हम उनको जबरदस्ती बिल्कुल प्रधान मना कर सकते हैं? नहीं, पीछे भी एक सर्विस जो कल्चर सर्वे चली थी उसमें बहुत सारे जगहों पे लोगों ने मना कर दिया था कि हमारे एरिया में कल्चर सर्वे नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम अपना ये सीएससी के घर का या आपके घर का काम नहीं है, सरकार का काम है, जो हमें काम दिया हम उसे खबर करेंगे कि सर इस एरिया में फला प्रधान जी ने या फला पार्षद महोदय ने काम कराने से या सहयोग अपेक्षित करने से मना किया है, कृपया अपने स्तर से जो समुचित कार्रवाई हो करने का कष्ट करें, बात खत्म, उनके लेवल तक हम सूचना देंगे। तो चीजें आती हैं, शुरुआत होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है उनके मन के मुताबिक कोई चीज हो रही हो ना हो रही हो, ऐसे में हमें किसी के लिए, क्योंकि हम उस तरीके से उनका एक अपना पद है और गरिमा है तो हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। हम इसके बारे में संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे, जिले पे जिला स्तर पे अधिकारी इसके नियुक्त हैं, नोडल हैं, हमारे जिला प्रबंधक हैं, हम लोग हैं, हम लोग आपस में मिलकर बात करेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है।
यहाँ पे नहीं था तो डायरेक्ट बीएलई को लॉगिन देना चाहिए था। अगर क्या लिखा है, प्रतिनिधि को करना है तो बीएलई की क्या जरूरत, मैं ये प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद वो प्रधान वाली राइट को आप अपने पास लेने की बात कर रहे हैं, तो ये सरकारी कामकाज है, प्रधान एक संवैधानिक पद है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो सरकार का हिस्सा है। लिहाजा यहाँ पे हमारा कोई इस पे उत्तर नहीं है। आपकी ड्यूटी जो है वो आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको केवाईसी करनी है, डिजिटलाइजेशन करना है, बाकी जो काम है वो सरकार के लोग करेंगे। चलिए देखिए, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी आप लोगों से। अब जैसे एक प्रश्न है कि यदि सीएससी और प्रधान की आपस में नहीं बनती है, देखिए ये आपस में बनने बनाने का नहीं है, सीएससी का सबसे बनता है क्योंकि हम व्यवसायी हैं और सामाजिक स्तर पे अगर आपके है तो आप अपने बगल वाले सीएससी भाई को बोल देना कि भाई आप आ जाओ हमारे प्रधान जी का कर दो, ठीक है, ये हो सकता है। आपके प्रधान जी की आईडी बन गई जिससे कि आप जो भी आवेदन करें तो प्रधान जी उस पर कार्रवाई करें। यहाँ कोई मजबूरी वाला बात नहीं है, आप नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा, या आपका प्रधान आपके यहाँ नहीं करेगा तो किसी दूसरे के यहाँ जाके करेगा। आपको मिलके हमको ये करना है जो हमें आदेश है। और इस तरीके के, चूंकि देखिए सामाजिक स्तर पे आप लोग हैं तो बहुत सारे आप लोगों के इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे नहीं ले पाएंगे। इस तरीके एक बार प्रधान, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जिले स्तर पे ही हम लोग, ये क्या एक सवाल किया इन्होंने, 8 रजिस्ट्रेशन डन टुडे नगरा बलिया, गुड। अमर बहादुर लिखते हैं कि 8 रजिस्ट्रेशन इन्होंने कर दिया, बहुत बहुत स्वागत अमर बहादुर जी, लेकिन ये बात ख्याल रखिएगा कि क्वालिटी वाले आवेदक हों, क्वालिटी वाले आवेदक हों, ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि हमारा और टाइम बहुत हो गया, अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस बैकएंड पे टाइप करके जवाब देंगे। एक और आखिरी लेते हैं, ठाकुर शिव प्रताप सिंह, यदि किसी पात्र व्यक्ति को प्रधान द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता है तो आगे क्या करें सर? प्रधान को सूचित करें, प्रधान नहीं कर रहा है तो मैं वही बताया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और आगे आप रिपोर्ट करें, तो डिपार्टमेंट को हमें इन्फॉर्म करके रखना है कि वो नहीं हो रहा है जी, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए एप्लीकेशन एप्लीकेंट का, वो करा देंगे क्योंकि गवर्नमेंट और जिस तरह से योजना का विमोचन हुआ है और लॉन्च हुई है उस तरह से कोई ढील इसमें बढ़ती नहीं जाएगी किसी भी तरह से। अगर हो सकता है कि आगे आने वाले चरणों में कुछ और प्रोविजन भी रखा जाए, इसमें प्रधान सेक्रेटरी को, जो सेक्रेटरी होते हैं गाँव में पंचायत में, उनको इन्वॉल्वमेंट किया जाए या किसी और को अप्रूवल अथॉरिटी दी जाए, लेकिन किसी के साथ जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है किसी के साथ अन्याय तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब मेरी समझ से इसमें ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी है कि किस प्रधान के पास कितने आवेदन लंबित हैं, और वहां हमारा आपका कोई रोल नहीं है कि आगे क्या करें, आपका आवेदन करना सिर्फ रोल है, आवेदन करना है, इसके अलावा बाकी का आगे का रोल जो सरकार और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान ब्लॉक मतलब पंचायत स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, जिले स्तर पे है और राज्य स्तर पे पूरी कमेटियां बनी, तो वो इसकी बकायदे ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा आपका काम एक वैल्यूएबल, एक ऑथेंटिकेट आवेदन करना है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न हमारे ऊपर खड़ा ना हो, और प्रधान के वेरिफिकेशन करने के बाद, वेरिफिकेशन में दो ही चीज होगी, आवेदन लंबित होगा मतलब अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। अच्छा एक चीज यहाँ फिर प्रश्न उठता है गौरव जी कि आवेदन रिजेक्ट या अप्रूव दोनों ही कंडीशन में बीएलई को तो पैसे मिलेंगे ना? अप्रूव्ड कंडीशन में ओके, अप्रूव्ड कंडीशन में मिलेंगे, ये बात का ध्यान रखना है कि अप्रूव्ड का मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे उसको आगे कई सारे उसके वेरिफिकेशन होने, लेकिन प्राइमरी वेरिफिकेशन प्रधान जी करेंगे जो ये बताएंगे कि हाँ ये फला कौशल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या फला वर्ग का व्यक्ति है, ये चीज प्रधान जी वेरीफाई करेंगे।
कि हाँ वो बढ़ई है तो बढ़ई है, अब इसमें कोई तीसरा चीज नहीं हो सकता। अब वो आप भी लगभग जानते हैं या पास का पड़ोस का व्यक्ति जानता है। तो अब आज का ये क्वेश्चन आयर हम लोग बंद करने के साथ आज का सेशन भी समाप्त करते हैं। ये सेशन हमारा थोड़ा लंबा हो गया, आधे घंटे की जगह पे हम लोग करीब 50 मिनट हम लोग साथ में बैठे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के क्वेश्चन हम नहीं ले पाए, लेकिन लगभग एक ही जैसे तर्क और क्वेश्चन हैं। जब आप काम करेंगे तो वास्तविक क्वेश्चन आपके आएंगे, वास्तविक सवाल आएंगे जो फील्ड से उठ के आएगा। इसको लेकर के हमें उम्मीद है कि हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर एक आज की मुलाकात सत्र का आयोजन करेंगे और इस सत्र में और ज्यादा ये जानकारी भरा होगा, क्योंकि तब तक हम लोग भी बहुत सारी जानकारियां अपने स्तर से और ज्यादा गैदर कर चुके होंगे। स्थानीय स्तर की चैलेंज हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस लेकर के गए हैं। 2008 से लेकर के आज तक जो कुछ भी सर्विस जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे आई है, पहले तो चैलेंज होता ही है। जैसे गांव में पगडंडी होती है, खेतों के बीच में घास लगे होते हैं, पहले दो लोग चलते हैं, चार लोग चलते हैं, बाद में पगडंडी में खड़ंजा बिछ जाता है, फिर उस पर पीच सड़क बन जाती है, आरसीसी हो जाती और नेशनल हाईवे बन जाता है। तो सब आप लोगों का रोल है, अभी पगडंडी बनी है, इसको लेकर के आप लोग सीधे निकालिए, अच्छे नियत के साथ काम करिए, सीएससी का परचम ऊंचा रहे, आपका समाज में परचम ऊंचा रहे, इसको इस्तेमाल करते हुए प्रयोग करते हुए आप लोग काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक शॉर्ट नोटिस आज सुबह ही बात हुई हमारी आपकी और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अंजाम दिया एक अच्छे कार्यक्रम के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम में हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी बड़े अधिकारी को इस विभाग से संबंधित लेकर के आए और कार्यक्रम को अच्छा से अच्छा और अंजाम दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नमस्कार।